दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मना कर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर।